नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। जोधपुर स्वस्ति गेट से घास मंडी तक दुकानदारों व आमजनों को सिंगल यूज प्लास्टिक परित्याग के अभियान के लिए बनाई थीम हम तैयार हैं के माध्यम से 1 जुलाई से होने वाले प्रतिबंध उत्पाद के बारे में बताया गया तथा आमजन को नगर निगम जोधपुर मुहिम की जानकारी मिले, इसलिए दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों से जोड़ा गया। देखिए नमस्ते राजस्थान की पूरी न्यूज रिपोर्ट, रिपोर्टर चेतन चौहान द्वारा। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम उत्तर की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम उत्तर ने एक प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु एक अभियान चलाया है। पर्यावरण सप्ताह भी चल रहा है, इसके तहत हमने स्वस्थ गेट मेन बाज़ार होते हुए घास मंडी रोड तक सभी दुकानदारों को एवं वहां के आम नागरिकों को समझाया गया इस चीज़ का उपयोग न लें। अगर आप ये लेते पाए जाते हैं तो 1 जुलाई 2022 से यह बिल्कुल ही प्रतिबंध है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद को बिल्कुल त्याग दें, इनका उपयोग करने पर आप पे जुर्माना भी लग सकता है। इसमें नगर निगम की टीम में सुरेश हंस जो अतिक्रमण टीम में है हमारे, वो प्रभारी है, वो भी हमारे साथ है। श्री दीपक कुमार जो हमारे टीम में साथ थे, विनोद गावरी टीम में साथ थे और सुमित जी माहेश्वरी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है और उनका भी पूरा सहयोग रहा और हमारी टीम ने इनको साथ लेकर सभी पब्लिक को समझाया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।